हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको डीआईवाई बर्थडे एक्सप्लोजन बॉक्स बनाना बताऊंगी। और ये एक्सप्लोजन बॉक्स मैंने अपनी मॉम के लिए बनाए हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह ही अपनी मॉम को बर्थडे पे विश करना है या ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स खुद से बना कर देना पसंद है तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। पिछले बार आपने मेरे को 100+ लाइक्स दिए थे, तो इस बार का भी लाइक टारगेट 100+ लाइक्स है, तो आपको 100 लाइक्स तो ज़रूर करना है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लोजन बॉक्स को बनाना देखते हैं। तो ये एक्सप्लोजन बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 ग्रीन स्क्वायर्स लिए हैं, 4 येलो स्क्वायर्स लिए हैं और 2 स्क्वायर्स लिए हैं जो कि एक वाइट कलर और एक ग्रीन कलर शीट पे येलो कलर का शीट पेस्टेड है। तो ये ग्रीन वाला स्क्वायर का लेंथ है 6 इंचेस × 6 इंचेस, तो आपको ऐसे 4 स्क्वायर्स को कट करना है जैसे कि आप देख सकते हो। और येलो वाले का है 5 × 6 इंचेस, तो आपको ऐसे स्क्वायर कट करना है। और ये वाले का है 6 × 6 इंचेस, तो आपको ऐसे ये स्क्वायर्स कट कर लेने हैं। और ये वाइट वाला स्क्वायर इस वाले स्क्वायर के साइज़ का ही है। तो अब हमें ये ग्रीन स्क्वायर को 0.5 सेंटीमीटर फोल्ड करेंगे इस तरह से एक साइड से, और इसे ये वाइट शीट पे कॉर्नर पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। और ऐसे ही बाकी 3 साइड्स पे भी हम ये ग्रीन शीट को पेस्ट कर देंगे। तो मैंने येलो शीट्स को भी 0.5 सेंटीमीटर फोल्ड कर दिया एक साइड से, अब हम इसे भी पेस्ट कर लेंगे। तो ये पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसके ऊपर हम ये वाले को भी पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से बन गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक हार्ट शेप ड्रॉ किया है क्योंकि मैं ये स्क्वायर्स को इस तरह से कट करूँगी। आप चाहें तो इन स्क्वायर्स को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या फिर इस तरह से कोई भी शेप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया। और ये ग्रीन शीट को मैंने ऊपर से थोड़ा सा सर्कल शेप में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसके एक्सेसरीज बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, पर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट एक्सेसरी के लिए मैंने यहाँ एक स्क्वायर ग्रीन कलर का शीट लिया है, और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसे इस तरह से दोनों साइड से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम ये कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट पे इस तरह से ला देंगे। ऐसे ही सारे कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट पे ला देंगे। उसके बाद इसे टर्न करके हम फिर से कॉर्नर्स को सेंटर पॉइंट पे ला देंगे, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे, और कॉर्नर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और उसके बाद ये पॉइंट को ये वाले पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे, और ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट पे, और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें सारे कॉर्नर्स पे करना है। तो ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद हम ये कॉर्नर्स को पकड़ के ये वाले पॉइंट पे यानी साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद वापस इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब सेकंड एक्सेसरी बनाते हैं। तो सेकंड एक्सेसरी के लिए मैंने यहाँ पे ये एक स्क्वायर के ऊपर ये कोन शेप का रेड कलर का शीट पेस्ट किया। उसके बाद मैं इस तरह से 3 चेन्स ड्रॉ कर रही हूँ और एक डोर, और उसके बाद ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने येलो कलर और रेड कलर का ट्रायंगल पेस्ट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे मॉम लिख रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है। तो ये देखिए, हमारा ये सेकेंड एक्सेसरी बन चुका है। तो चलिए अब थर्ड एक्सेसरी बनाना शुरू करते हैं। गाइस, ये वाली क्लिप थोड़ी क्रॉसली रिकॉर्ड हुई है, पर मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, 2 बार हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हम ओपन करके इसे डोर की तरह ऐसे फोल्ड करके फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके हार्ट शेप ड्रॉ कर लेंगे। और हमें साइड में इसे इसी तरह से जॉइंट रखना है, और इसे कट नहीं करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि इस तरह से ओपन हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें
टू और हार्ट्स बनाने हैं तो हमें ऐसे टू हार्ट्स बनाने हैं। और तो ये देखिए, अब इसके अंदर मैं मॉम लिख रही हूँ। तो अब फोर्थ एसेसरी बनाने शुरू करते हैं। तो फोर्थ एसेसरी के लिए मैंने यहाँ ये एक रेड कलर का पीस लिया, उसे हाफ हाफ सेंटीमीटर में फोल्ड कर लिया, रफली फोल्ड किया है मैंने। और उसके बाद मैं इसे इस यहाँ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम इसे एक पॉकेट की तरह तैयार करेंगे, और इसलिए मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है ताकि हम इसके अंदर से ऐसे एक चिट या फिर एक तरह से आप कह लें लेटर की तरह हम इसके अंदर कुछ रखेंगे, तो उसके लिए हम एक पॉकेट की तरह इसे क्रिएट करेंगे इस तरह से ताकि मैं इसे कुछ रख सकें। तो गाइज, ये पॉकेट बनाने के लिए मैंने एक येलो कलर का भी शीट लिया है। तो मैंने ऐसे दो शीट लिए, आप चाहें तो कितने भी शीट्स ले सकते हैं, और जो लेयर्स हैं आप चाहें तो दो, तीन, चार, पाँच, कितने भी रख सकते हैं। मैंने दो रखे थे जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया है। तो इस तरह से बन जाएगा। गाइज, जैसा कि मैं आजकल कम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी मैं बीच बीच में आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। तो चलिए अब आगे का स्टेप देख लेते हैं। तो गाइज, फिफ्थ एसेसरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पर्स बनाया है, और ये आपको इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगी। पर ये देखिए, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, थोड़ा सा मेरे को इससे बड़ा बनाना था, पर कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पे जैसे हम पेपर फैन बनाते हैं वैसे मैंने एक पतले से शीट को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अपनी मॉम के लिए आई लव यू लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो इसे मैं इस तरह से इस पर्स में ही रख दूँगी। तो ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, मैंने सोचा था मैं बड़ा बनाऊँगी पर मेरे से छोटा कैसा बन गया मेरे को पता ही नहीं चला। तो चलिए अब सिक्स्थ एसेसरी बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, तो मैंने ऐसे एक छोटा सा येलो कलर का बना लिया। सेवन्थ एसेसरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये येलो कलर का शीट लिया। असल में ये पर्स ये जो मैंने आपको आगे दिखाया था, पर इसका साइज़ मैंने बड़ा किया। आपको जितना बेस चाहिए तो इसे फोल्ड करके आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, और फिर उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पर्स का ये इतना साइज़ का बेस होगा, और लेंथ में कोई ये इतना ठीक लग रहा है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप बड़ा पेपर ले सकते हैं, या छोटा चाहिए तो छोटा पेपर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी साइड से जो लेंथ हमें चाहिए वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो फिर वो भी मैं फ़ोल्ड करके इस तरह से रख ले रही हूँ। तो मैंने ये अंदाजे से इस तरह से फोल्ड करके जितना मेरे को लेंथ आ रहा है मैंने उतना ही रख लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करना देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे ये वाले पॉइंट तक ऐसे कट लगा लेने हैं, जो हमारी ये टू लाइंस आए हैं इस तरह से कट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे ग्लू लगाकर इस साइड वाले हिस्से पे इस तरह से ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल पर्स की तरह एक क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और दूसरे साइड भी इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल एक पर्स के शेप में आ गया है, ये देखिए। और उसके ऊपर मैंने एक रेड कलर का ऐसे पेपर कट करके इस तरह से लगा लिया, तो अब आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे पेपर हैंडल लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम एट्थ एसेसरी बनाना देखते हैं। तो जो हमारा एसेसरी फोर था उसके अंदर रखने के लिए मैंने ये थ्री ग्रीन कलर के शीट्स कट किए हैं, और उसके अंदर मैंने अपने मॉम के लिए ये सारी चीज़ें लिखे हैं। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं सेम चीज़। और ये येलो कलर का भी मैंने ऐसे रखने के लिए कट किया है, और साथ ही साथ मैंने एक ये लेटर की तरह ये आप देख सकते हैं कॉर्नर में ये क्रिएट किया है। इसके अंदर भी मैं यही लिखा हुआ है ऐसे रख दूँगी। तो यही सारी हमने ये एसेसरीज बनाई थी, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी ये चीज़ें बनाई हैं वो एक्सप्लोजन बॉक्स में रखने के लिए। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। और ये एक रिंग बनाया है जिसे मैं इस पर्स में रखूँगी। तो अब हम ये एक्सप्लोजन बॉक्स के लिए लिड बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे दो लिड बनाऊँगी। आप चाहो तो एक सिंगल लिड ही रख सकते हो, पर मैं यहाँ पर दो लिड्स बना रही हूँ। मैंने दो लेयर्स रखे तो दो लेयर्स, अगर आप थ्री लेयर्स रखें तो आप थ्री लिड बना सकते हैं, या फिर एक सिंगल लिड भी बहुत है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सोई वाइट वाला स्क्वायर पीस लिया जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और ये साइड में मैंने और ये साइड्स के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ऑफ पेपर कट किया है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसे हाफ सेंटीमीटर फोल्ड कर दिया, और वही हाफ सेंटीमीटर को इस पेपर पे इस तरह से पेस्ट कर दिया है। और फिर तो ऐसे ही हम ये पूरे स्क्वायर पीस को इस तरह से कवर कर देंगे, तो एक लिड के शेप में आ जाएगा। तो
टॉयलेट के ऊपर मैंने ये ग्रीन कलर का शीट पेस्ट कर दिया है इससे, और ये अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद में ये पिंक कलर के शीट को मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक हाफ सर्कल इस तरह से बना दूंगी, तो ये फ्लावर शेप में कट हो जाएगा जैसे आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगी एक पेटल पे, और उसके बाद ये सीजर की हेल्प से इसे इस तरह से कर्व कर दूंगी पेटल्स को जैसे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसे इस तरह से पेस्ट कर दूंगी, और मैंने फिर ये लिड पे पेस्ट कर दिया। उसे छोटा सा फ्लावर कट करके मैं इसके सेंटर में पेस्ट करूँगी। तो ये देखिए मैं लिड्स को तैयार कर दिया। और जो सबसे फर्स्ट लिड होगा उसके लिए मैंने रफल्स भी बनाए हैं, यही पेपर का रफल्स बनाए हैं। तो मैंने ये रफल्स कैसे बनाए हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने दो साइड पेस्ट किया है और बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ। तो पेपर रफल्स बनाने के लिए मैंने पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है रफल्स की शेप में, जैसे हम कपड़े पे बनाते हैं। और उसके बाद इसे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद हम इसे लिड पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम साइड में भी पेपर से इसे पेस्ट कर देंगे और जॉइंट कर देंगे सारे रफल्स को, तुम्हारा लिड बन जाएगा। तो ये है इसका फाइनल लुक। और ये फाइनल लुक मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सारी एक्सेसरीज को किस तरह से प्लेस किया है और अरेंज किया है, और जो मैंने आपको एक्सेसरी 8 दिखाए थे उसे किस तरह से मैंने रखा है। तो ये सारा चीज़ आपको इस फाइनल क्लिप में मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट लेयर को इस तरह से लिड से कवर किया था। तो हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से ये सारे इस तरह से पॉप आउट हो जाएंगे। तो ये येलो वाले पीस को मैंने इस तरह से यहाँ पे पेस्ट किया है, और इसके अंदर ये देखिए हमारा ये है जो चिट मैंने लिखा है। और उसके बाद मैंने इसे इसे में वापस रख दिया, और ये इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और ये रहा यहाँ पे मैंने ये हार्ट्स को प्लेस किया है, और ये जो पॉकेट्स है इस तरह से क्रिएट हो गया, और इसमें मैंने इस तरह से इसे रख रखा है। तो ये सारी एक्सेसरीज 8 को मैंने इस तरह से रख रखा है जैसे आप देख सकते हैं। तो और ये हट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। अब हम ये फाइनल लिड खोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये टॉफीज प्लेस किया। आप चाहें तो ऐसे ही कुछ चेट वेट या फिर हार्ट कुछ भी आप प्लेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास टॉफीज या कुछ पड़ा है तो आप ये प्लेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोई भी ग्लिटर पेन, स्केच पेन ये सब बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे जैसे भी बच्चे अगर बना रहे हो अपनी मॉम को गिफ्ट देने के लिए तो वह ईज़िली बना सके। तो इसकी वजह से मैंने सिंपल पेन से ही और सिंपल चीज़ों से ही मैंने इसे क्रिएट किया है। तो गाइस, मैं जानती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना, और सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।